आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा एक छोटा सा सपना था कि शहर जाकर एक अच्छी सी जॉब ढूंढकर वहीं सेटल हो जाऊंगा, मगर यहाँ शहर आकर पता चला कि सपने नींद में ही अच्छे लगते हैं। शहर में ना तो नौकरी मिल रही थी और ना ही रहने का कोई ठिकाना। हालांकि एक दो दिन के लिए मैं अपने दोस्तों के घर में भी रुका था, मगर रोज रोज उनके घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर खाना खा खा कर घर से लाए हुए मेरे सारे पैसे भी खत्म होने वाले थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मगर तभी भगवान ने अपना करिश्मा दिखाया और मुझे एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। हालांकि मैं इस काम के लिए शहर नहीं आया था, मगर पेट पालने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो चाहिए ही था, इसलिए मैं ये काम करने के लिए राजी हो गया। काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस मुझे रात भर जागना था। ड्यूटी पर वो मेरी पहली रात थी। मुझे उस जगह पर रखा गया था जहां फैक्ट्री के पुराने मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था, यानी फैक्ट्री के पीछे की तरफ। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, हालांकि इतनी बड़ी जगह में मैं अकेला वॉचमैन नहीं था, एक उम्रदराज आदमी भी था, मगर वो फैक्ट्री के गेट पर बैठा हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फैक्ट्री में वर्कर्स अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। कुछ ही घंटों में आलम यह था कि फैक्ट्री पूरी तरह से खाली हो गई। अब ना तो फैक्ट्री में कोई वर्कर था और ना ही कोई मशीन चल रही थी, जिस वजह से आसपास का माहौल पूरी तरह से खामोशी में डूब चुका था। ऊपर से वो फैक्ट्री जिस जगह पर थी वहाँ आसपास कोई घर भी नहीं था। खैर, एक हाथ में फ़ोन और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। रात हर पल और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। कहीं ना कहीं उस वीराने में खुद को अकेला पाकर मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कर रहा था। मैंने सोचा वैसे भी कल सुबह तक मुझे बैठा ही रहना है, तो क्यों ना थोड़ी नींद पूरी कर ली जाए। यही सोचकर मैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैंने आंख बंद किया ही था कि तभी मेरे कानों में एक तेज आवाज़ आई, जैसे कोई लोहे की चीज़ धड़ाम से ज़मीन पर गिरी हो। मैं हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया और टॉर्च घुमा घुमा कर इधर उधर देखने लगा, मगर वहाँ सब कुछ सामान्य था। मुझे ऐसी कोई गतिविधि नज़र नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मलबे में से ही कुछ गिरा होगा, और मैं वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब मेरी नींद उड़ चुकी थी, पता नहीं क्यों, मगर मुझे अंदर से घबराहट महसूस हो रही थी। अभी मैं कुर्सी पर बैठकर अपनी तेज सांसों को सामान्य कर ही रहा था कि तभी फिर से एक बार तेज आवाज़ के चलते मैं चौंक गया, मगर इस बार आवाज़ किसी चीज़ के गिरने की नहीं, बल्कि किसी इंसान के चीखने की थी। मैंने तुरंत अपना टॉर्च जलाया और कुर्सी से उठकर चारों तरफ देखने लगा, मगर मुझे मेरे अलावा वहाँ आसपास ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही इंसान की कोई जात। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहा था, लिहाजा मैं भागकर सीधे दूसरे वॉचमैन के पास, यानी फैक्ट्री के मेन गेट के पास गया, तो पाया कि दूसरा वॉचमैन अपनी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा है। मैंने पास जाकर उस वॉचमैन को जगाया और सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस वॉचमैन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
ये तुम्हारा वहम होगा, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो, जाओ अपनी जगह पर। दूसरे वॉचमैन के मुंह से ये सुनकर जहां मुझे हिम्मत मिलनी चाहिए वहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो, जिससे मेरा डर और भी बढ़ गया। खैर, डरते डरते मैं वापस चलते हुए अपनी पोजीशन पर जाने लगा, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फ़ोन निकालकर चलाने लगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ थी जिससे मेरा डर कम हो सकता था। अभी मैं फ़ोन चलाकर टाइम पास कर ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के चीखने की आवाज़ आने लगी, मगर इस बार आवाज़ सुनकर मैं डरा नहीं, बल्कि मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए कि ये आवाज़ असल में आ कहाँ से रही है। लिहाजा मैं अपनी कुर्सी से उठा और टॉर्च जलाकर उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो आवाज़ मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी कि पता नहीं चल रहा था आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन फिर भी मैं ध्यान से उस आवाज़ के ज़रिए को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते मैं अब उस जगह पर आ गया था जहां बड़ी मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था। तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई जो कि एक बड़े से लोहे के मलबे के नीचे दबा हुआ था, और वही आदमी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। मैं दौड़कर उस आदमी के पास गया और उस बड़े से लोहे को हटाने की कोशिश करने लगा, मगर वो लोहा इतना भारी और वज़नदार था कि मुझे अकेले के लिए उसे उठाना तो दूर, हिलाना भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने उस आदमी से कहा, तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर मैं दौड़ते हुए दूसरे वॉचमैन के पास गया और उसे सारी बात बताई, मगर पता नहीं क्यों दूसरा वॉचमैन मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन उससे बहुत विनती करने के बाद वो मान गया और मेरे साथ चलने लगा। चलते चलते जब मैं उस बड़े से मलबे के पास पहुंचा, तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब उस मलबे के नीचे कोई नहीं था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दूसरे वॉचमैन ने कहा, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगता है, एक काम करो तुम सो जाओ, खामोखा मुझे भी परेशान कर दिया। इतना कहकर वो दूसरा वॉचमैन वहां से चला गया। मुझे भी अब लगने लगा था कि शायद मेरी तबीयत ही खराब है, मगर कहीं ना कहीं उस आदमी का चेहरा मेरे जहन में घूम रहा था। खैर, मैं फिर से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब मेरा सिर दुखने लगा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर कल भी ऐसा हुआ तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के बचाओ बचाओ की आवाज़ आने लगी। अब मैं तंग आ चुका था, इसलिए कुछ देर तक तो मैंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया, मगर मैं ज़्यादा देर तक ऐसा कर नहीं पाया और फिर से चलते हुए उसी तरफ जाने लगा जहां मैंने मलबे के नीचे आदमी देखा था। उस जगह पर पहुंचकर मैंने देखा कि वो आदमी सच में उसी मलबे के नीचे दबा है, मगर अब उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया था कि उसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। तभी वो आदमी एक डरावनी सी मुस्कुराहट लिए मेरी ओर पलटा और अपने शरीर को झटका देने लगा, जैसे वो उस मलबे के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो, और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी हो गया। वो मलबे के नीचे से निकला तो सही, मगर उस आदमी का आधा शरीर ही नहीं था, उसके दोनों पैर गायब थे। वो आदमी जमीन पर रेंगते हुए
मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है, और अगर मैं यहाँ रुका तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी और भागते हुए दूसरे वॉचमैन के पास पहुँचा। पूरी रात मैंने उस वॉचमैन के पास में ही कटा दी। बाद में मुझे पता चला कि आज से कुछ महीनों पहले बड़े बड़े मशीनों का मलबा फेंकते समय उस आदमी के लापरवाही के चलते वो एक बड़े से मलबे के नीचे दब गया, जिससे उसके दोनों पैर कटकर अलग हो गए और दर्द के मारे उसकी वहीं पर मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। उसकी आत्मा को बहुत से लोगों ने देखा है। ये सब सुनकर मैंने उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।